बलात्कार के दो मामलों में 20 साल की सजा भुगत रहा राम रहीम जेल से बाहर आने के लिए बेताब है, तो वहीं हरियाणा सरकार उसे वापस डेरे में पहुंचाने की तैयारी कर रही है। सरकार और बाबा की जल्दबाजी का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि नियम कानून भी अड़े नहीं आ रहे हैं। खास बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेल मंत्री कृष्ण पवार और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने की पैरवी की है। अनिल विज ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम रहीम एक आम इंसान के अधिकार के चलते पैरोल का हकदार है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक 2 साल की सजा पूरी होने के बाद ही पैरोल दी जा सकती है, लेकिन गुरमीत राम रहीम ने 2 साल पूरे होने से पहले ही पैरोल के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। उधर सुनारिया जेल प्रशासन ने 2 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही पैरोल के आवेदन को स्वीकार कर यह साबित कर दिया है कि बाबा का दबदबा आज भी कायम है। गौरतलब है कि हरियाणा में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और गुरमीत राम रहीम के डेरे का मुख्यालय सिरसा में है। हरियाणा में उसके अनुयायियों की संख्या लाखों में है। ऐसे में अगर गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जाती है तो इसमें एक ओर जहां सरकार का फायदा है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा को भी खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा और उसके आ जाने से सिरसा में सुनसान पड़ा डेरा सच्चा सौदा फिर से गुलजार हो जाएगा और राम रहीम डेरे में लौटकर फिर से अपने समर्थक जमा कर सकता है। वहीं सरकार इसके एवज में अपना वोट बैंक मजबूत कर सकती है। हालांकि हरियाणा सरकार के इस फैसले का चारों ओर विरोध हो रहा है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज कर दी गई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।